हम आपके अपने ग्रह ड्रैगनपुर को देखने के लिए बड़े उत्साहित हैं। हाँ बच्चों, मैंने सोचा अब वक्त आ गया है। चलो चलते हैं। मेरे दोस्तों पर ड्रैगन रोशनी गिरने दो। देखो, हम सब इस रोशनी में चमक रहे हैं। अंदर जा रहे हैं। करता था, आज वो ड्रैगन्स का ड्रैगनपुर बन गया है। राजा धनोर, तैयार हो जाइए, इस धरती पर फिर से अपना हक जमाने। मेरे पूर्वजों ने जिंदगी भर इंतजार किया, मैं कुछ पल प्रतीक्षा तो कर ही सकता हूँ। हमारे पहले पूर्वज ड्रैगन कज़ॉक हैं। इन्हीं की वजह से आज हमारा अस्तित्व है। यहाँ दुष्ट दोर्ज रहा करते थे, शेर की तरह शक्तिशाली पर लोमड़ी से ज्यादा चालाक। दोर्ज ने हमारे पूर्वजों को गुलाम बनाकर रखा था। तुम ड्रैगन हमेशा हमारे गुलाम रहोगे। और चार टुकड़ों में बट गया। ये चार क्रिस्टल के टुकड़े इस ग्रह के चारों कोनों में जाकर बस गए। ये टुकड़े अंतरिक्ष से रोशनी को इस ग्रह पर खींचने लगे, जिस वजह से इस पूरे ग्रह के ऊपर एक सुरक्षा कवच का निर्माण हुआ। जब ये रोशनी इन ड्रैगन्स पर पड़ी तो वो और बड़े बुद्धिमान और ताकतवर होने लगे। लगता है अचानक से आई इस रोशनी की वजह से ये ड्रैगन्स इतने बड़े और ताकतवर हो गए हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने सर उठाओ, इसका फैसला होकर रहेगा। के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। कज़ॉक के नेतृत्व में और अपनी ताकत और अक्ल के बल पर ड्रैगन्स बहादुरी से लड़े। फिर कज़ॉक ने सारे ड्रैगन्स के साथ इसी जगह पर एक कसम खाई। आज से हम सारे बनेंगे अंतरिक्ष के रखवाले। और आज से मानव धरती हम ड्रैगन्स की भूमि कहलाएगी। आज से इस ग्रह का नाम होगा ड्रैगनपुर। ये ग्रहण हजार वर्षों में सिर्फ एक बार आता है, और जब ग्रहण होगा तब आप देखोगे कि चांद उस छोटे ग्रह के पीछे चला जाएगा। क्रिस्टल के उन चार टुकड़ों को रोशनी ही नहीं मिलने वाली है, और ड्रैगनपुर का सुरक्षा कवच टूट जाएगा। हमने सदियों से इस दिन का इंतजार किया है। अपने हथियार उठाओ। ड्रैगनपुर एक बार फिर कैस्टोर ग्रह बनने वाला है। इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। अब मेरे होते हुए कोई भी ड्रैगन्स पर हमला नहीं कर सकता। Ha 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 ha
खत्म नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुम उन क्रिस्टल के चारों पत्थरों को तोड़ दो। मैं अभी इस काम में लग जाता हूँ राजा धनोर। तो अगर क्रिस्टल के पत्थर नष्ट हो गए तो इस ग्रह पर कभी रोशनी नहीं पड़ेगी। फिर मैं जोर नहीं कमजोर हो जाऊंगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये किया धमाका। तो जोलम का घोटालम भी काम कर गयो। धौर ने हमारे क्रिस्टल भी नष्ट कर दिए। एक क्रिस्टल अब ही बचा है, सबसे ऊपर वाला क्रिस्टल। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा है। राजू, क्या तुम देखकर बता सकते हो कि ऊपर की तरफ कोई क्रिस्टल दिखाई देता है क्या? की तरफ एक क्रिस्टल अपनी जगह पर बरकरार है। ड्रैगन स्कूल। हम ड्रैगन्स ने इस ड्रैगन स्कूल की शुरुआत की थी। वहाँ ड्रैगन लड़ाई और ड्रैगन जादू सिखाया जाएगा। महा ड्रैगन लड़ाई कॉन्टेस्ट में ये ड्रैगन लड़ाई का मुकाबला है। मेरा नाम है डोगा, मुझ जैसा कोई नहीं होगा। वो आप ही से बाहर हो गया था। क्रूर और गुस्सा उसके दिलो दिमाग पर छा गया था। मेरा नाम है डोगा। मुझे जादुई मुकुट और शक्ति कवच चाहिए। मुझे वो दो शब्द बताओ। मोह मंत्र, कठोर जंतर। मोह मंत्र, कठोर जंतर। मोह मंत्र, कठोर जंतर। तुम्हारे कहने से मैं नहीं खुलूंगा। जब ज्वाला और जोर के मुंह से ये दो शब्द निकलेंगे तभी मैं खुलूंगा। मैं अभी उन ड्रैगन्स को लेकर आता हूँ। मोह मंत्र, कठोर जंतर। लड्डू
फिर आ गया बच्चे मुझसे भिड़ने। इस बार मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। दहशत का कुआं प्रकट हो। ये बहुत खतरनाक मंत्र है। लगता है डर के भाग गया। खेल खेलने वाले हैं स्पेस लूडो। नहीं नहीं नहीं, हम जिग्सो पहेली खेलेंगे। ये सारे खेल पुराने हो गए। भीम, मैं अपने खिलौने घर में देखता हूँ, शायद वहाँ कुछ नया खेल मिले। क्या आपके पास एक खिलौना घर है? ज्यादा कुछ नहीं है, पर शायद हमें वहाँ कुछ मिल जाए। मेरे साथ आओ। जरा संभल के। इतने सारे खिलौने, आक्रमण! रुको कालिया। मैंने बचपन से इन खिलौनों को संभाल के रखा है। स्काई ड्रैगन, आपको नहीं लगता ये खिलौने अब आपको एवीआर, नुकी, टाल्जोर, लीनो या बाकी बच्चों में बांट देने चाहिए? क्या? नहीं, ये मेरे लिए सिर्फ खिलौने नहीं, इनसे मेरी बचपन की यादें जुड़ी है। क्या हुआ स्काई ड्रैगन? ये बोतल मुझे मेरे सबसे पुराने और प्यारे दोस्त बब्बू ने दी थी। अब वो कहाँ है स्काई ड्रैगन? पता नहीं। आपको अपने दोस्त की बहुत याद आती होगी ना? हाँ, बहुत। इस कमरे का बायां कोना मैंने उसी की याद में सजाया है। जरा मैं भी तो देखूँ इस बोतल में इतनी क्या खास बात है। नहीं, क्या ये तुम हो? इतने साल इस बोतल में कैद था, और वो भी तुम्हारे कारण। पर मैंने क्या किया? मैं ये खास बोतल अपने सबसे प्यारे दोस्त स्काई ड्रैगन को दूंगा। इस जादुई बोतल के सामने जो भी खड़ा रहेगा, ये बोतल उसे अपने अंदर खींच लेगी। स्काई ड्रैगन इसे देखकर बहुत खुश होगा। बब्बू मेरे दोस्त, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। क्या है इस बोतल में? बब्बू, 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 तुम कहाँ हो? और उस दिन से आज तक मैं इस बोतल में कैद था। क्या तुम गुस्सा हो? गुस्सा? बब्बू जी, जो हुआ गलत हुआ, पर अब तुम ये गुस्सा थूक दो। थूक नहीं, मैं फूंक दूंगा। ऐसी फूंक मारूंगा कि तुम सबको दूसरे अंतरिक्ष में पहुंचा दूंगा। मेरी बात सुनो। कहाँ जाओगे मेरे दोस्त? मैं तुम्हें इतनी दूर उड़ा दूंगा
कि तुम्हारे पंख तुम्हें वापस यहाँ तक नहीं ला पाएंगे। पहले तुम उनसे अपना बदला किसी और तरीके से ले सकते हो। कोई और तरीका? कौन सा तरीका? उनके सबसे प्यारे खिलौनों से शुरू करते हैं। मेरे खिलौनों को मत तोड़ना। ये वो जगह है जो स्काई ड्रैगन ने तुम्हारी याद में बनाई थी। उन्हें आज भी अपने सबसे प्यारे दोस्त की बहुत याद आती है। शायद इसीलिए वो अपने एक भी खिलौने को जाने नहीं देते, जैसे एक दिन तुम्हें खो दिया था। स्काई ड्रैगन मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मैं उससे कैसे गुस्सा हो सकता हूँ? मुझे माफ कर दो स्काई ड्रैगन, जिसे मैं दुश्मन समझ रहा था वो तो मेरा सबसे प्यारा दोस्त निकला। हाँ बब्बू, मुझे भी माफ कर दो। इसने तो मेरे सारे खिलौने ले लिए। स्काई ड्रैगन, इस बोतल में क्या है? हमारा आखिरी मौका है।
है। सुपर भीम और उसके दोस्त। शुक्र है कोई मेरी मदद करने आया। मेरा नाम रीरो है, जल्दी अंदर आओ। अरे आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, आखिर क्या बात है रीरो? भूत, इस घर में एक भूत है। कि इस भूत ने ऐसा क्या किया है कि तुम डर गए? पूछो क्या नहीं किया। सुख शांति से रह रहा था, मैं रात को चैन से सो रहा था, किसी ने मेरी चादर खींच ली। अब तो मेरे रसोई घर से भी अक्सर खाना गायब होने लगा है। घबराओ मत रीरो, हम पता लगाएंगे ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों हम छोटे हिस्सों में बट जाएंगे। कालिया, जग्गू और मैं बेडरूम में देखते हैं, बाकी सब रसोई घर में देखो। ये भूत की हंसी है। बत्ती बुझ गई। मैं अभी बत्ती चलाता हूँ। तो ये है भूत। इससे पहले कि ये भागे मुझे इसे पकड़ना होगा। तो तुम हो इस घर के भूत जो रीरो को डराकर परेशान कर रहे हो। बाहर निकलने का वक्त हो गया है छोटू। दोस्तों पकड़ो उसे। सबने मेरी मदद की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ये छोटा सा तोहफा। मिठाई। बच्चों ये संभा फल का स्वाद कैसा लगा?
और फल है कुछ अपने लिए छुपा लेता हूँ। कहते हैं इस फल को ज्यादा खाने से जीभ जामुनी रंग की हो जाती है और अगर ऐसा हुआ तो उस व्यक्ति का पेट बहुत दुखता है। जीभ जामुनी हो गई है यानी अब उस्ताद का पेट दुखेगा। अब क्या होगा स्काई ड्रैगन? कुछ नहीं होगा कालिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब अपनी आंखें खोलो, तुम सबके लिए उड़न खटोला। ये तो बड़ा ही मजेदार तोहफा है। लाने के लिए ये है वो शख्स जो सारी बदमाशी कर रहा था। भीम, ये लो लड्डू। लड्डू लड्डू तो मैं खाऊंगा। ऐसी मस्ती किस काम की जो किसी के लिए मुसीबत बन जाए। मेरा कोई दोस्त नहीं है इसलिए अपने दिल बहलाने के लिए कुछ मस्ती कर लेता हूँ। आज से तुम अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं।